डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है, मगर सदारती जंग कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, हालिया सर्वेस किसके हक में जा रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा अभिषेक। व्यूवर्स, अमेरिका में सदारती इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी रह गया है और 4.5 करोड़ से ज्यादा अमरीकी शहरी कबल अज वक्त वोट और मेल वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात की इंतखाबी मुहिमात अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर हमले जारी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस रियासत फ्लोरिडा में पोर्टो रिको के एक होटल में गए। उनका मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने के लिए रागिब करना था। कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहना था कि उनके पास शिकायतें हैं, वो अपनी जबान को बदला लेने और इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक रैली की क्यादत की। इस रैली के आगाज पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने मुखालफीन पर शदीद तनकीद की। बाज मुकर्ररीन ने कमला हैरिस पर मुख्तलिफ बेबुनियाद इल्जाम किए और कैरेबियन में अमरीका के खुद मुख्तार इलाके पोर्टो रिको को तैरता हुआ कूड़ा क्रिकेट का जजीरा भी करार दे दिया। इंतखाबी रैली के दौरान पोर्टो रिको का तमस्खुर उड़ाए जाने पर लातीनी अमरीका से ताल्लुक रखने वाले अफराद डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की जा रही है। व्यूवर्स, वाज़ेह रहे कि पोर्टो रिको के मकीन अमरीका के शहरी हैं, अलबत्ता वो इंतखाबात में वोट नहीं दे सकते। पोर्टो रिको के वो शहरी जो अमरीका मुंतकिल हो चुके हैं वो वोट देने के अहल हैं। इनमें ज्यादातर रियासत पेंसिल्वेनिया में आबाद हैं और इस रियासत को इंतखाबात में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी और सियासी हलकों की जानिब से सामने आने वाली तनकीद के बाद खुद को अपने हामियों की जानिब से किए जाने वाले नस्ली बुनियाद पर मबनी तबसरों से अलग कर लिया है। पीर को जॉर्जिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप ने वोटर्स को एक खसूसी तकरीब में मदु किया और कहा, मेरे ख्याल में मुल्क को मजहब की जरूरत है, ये नई इंतजामिया और बाएं बाजू का बुनियाद परस्त टोला आपको तरक्की करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम की जानिब से जारी एक ईमेल में कहा गया कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर होने वाली रैली तकसीम और तौहीन आमेज पैगामात के इक्कास थी। कमला हैरिस का इस हवाले से कहना है कि ट्रंप नस्ल परस्ती और तकसीम को हवा दे रहे हैं, यही वजह है कि लोग अब इनसे आजिज आ चुके हैं। बादशाह एटलांटा में अपने हामियों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कमला हैरिस के बयान को मुस्तरद कर दिया और कहा, मैं नाजी नहीं बल्कि नाजी का मुतजाद हूँ। 2 रोज कबल जारी होने वाले CBS न्यूज योगो पोस्ट के मुताबिक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मामूली फर्क रह गया है। कमला हैरिस की मकबूलियत 50% जबकि ट्रंप के 49% है। पोल्स में नए सदारती उम्मीदवार के इंतखाब में सिनफी तकसीम का भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अमरीकी मर्दों की ज्यादा तादाद ट्रंप जबकि खवातीन की ज्यादा तादाद कमला हैरिस की हामी है। पोल्स में बताया गया है कि 54% अमरीकी मर्द डोनाल्ड ट्रंप को जबकि 45% मर्द कमला हैरिस की हमायत करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह 55% खवातीन कमला हैरिस को जबकि 43% खवातीन डोनाल्ड ट्रंप की हामी हैं। 538 डेली इलेक्शन पोल ट्रैकर के मुताबिक एतवार तक ट्रंप को कमला हैरिस के मुकाबले 1.4% की बढ़तरी हासिल थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मजमू तौर पर कमला हैरिस को 48.1% जबकि ट्रंप को 46.1% अमरीकियों की हमायत हासिल है। व्यूवर्स, आपको अमरीकी सदारती इंतखाबात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतलिक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी और आप क्या समझते हैं कि कमला हैरिस ये इलेक्शन जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबा।